नैनीताल में कई संस्थाएं मदद के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में नाहन में एक्सेल एकेडमी द्वारा कोविड-19 आयुष अस्पताल को मदद स्वरूप मास्क व आयुष काढ़ा दिया गया। एक्सेल एकेडमी से जुड़े पदाधिकारियों ने कोविड-19 आयुष अस्पताल नाहन में प्रबंधन को आयुष काढ़े की 200 किट व 95 मास्क सौंपे। मीडिया से बात करते हुए एक्सेल एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सबलोक ने बताया कि एकेडमी द्वारा अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों के लिए आयुष काढ़ा किट और N95 मास्क दिए गए हैं। प्रबंधन से अपील की गई है कि अस्पताल में आने वाले सभी लोगों को यह किट दी जाए। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी पहुँच रहे हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यह किट उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह किट लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है और कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस किट को पहुंचाया जा सके। हमने जो है आज 200 आवाज काढ़ा की किट और मास्क डिस्ट्रिक्ट कार्यवाधिक ऑफिसर जी के माध्यम से लोगों के लिए समर्पित की है, जो कि यहाँ पर टीकाकरण के लिए आएंगे या जो भी पेशेंट आएंगे यहाँ पर उनको ये दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन काढ़ा है जिसका 10 ml हल्के कोसे पानी में डाल के पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इस तरह के कार्य करने से आजकल कोरोना के क्राइसिस चले हुए हैं और ब्लैक फंगस की महामारी भी घोषित कर दी गई है, तो मैं तो अनुरोध करूंगा सबसे इस आपके माध्यम से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सबसे जरूरी है कि मास्क पहने और मास्क जो है ठीक तरीके से पहने, नाक के नीचे नहीं पहने, पूरी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और घर परिवार में जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको 14 डेज क्वारंटाइन में अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो घर में रहें। जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है या जिसको सांस में तकलीफ होती है उसको ही हम दाखिल करते हैं। सत्य टीवी न्यूज के लिए नाहन से ब्यूरो रिपोर्ट।